लोहड़ी उत्तर भारत का सबसे लोकप्रिय त्योहार है, लेकिन खास तौर पर ये पर्व पंजाब में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल लोहड़ी का पर्व 13 जनवरी को मनाया जाएगा। इस दिन सभी अपने घरों और चौराहे के बाहर लोहड़ी जलाते हैं, आग का घेरा बनाकर धूला भट्टी की कहानी सुनाते हुए रेवड़ी, मूंगफली और पॉपकॉर्न खाते हैं। लोहड़ी का त्योहार शरद ऋतु के अंत में मनाया जाता है। लोहड़ी पर लोग खुली जगह पर पवित्र अग्नि जलाते हैं और उसके आसपास घेरा बनाकर लोग गीत गाते हैं। ऐसी मान्यता है कि लोहड़ी के समय किसानों के खेत लहलाने लगते हैं और रबी की फसल कटकर आती है। नई फसल के आने की खुशी में लोहड़ी का जश्न मनाया जाता है। पंजाब में तो इसका अलग ही अंदाज देखने को मिलता है। रंग बिरंगे कपड़ों और फुलकारियों में पंजाबी लड़कियां सजी होती है। पंजाबी लड़के भी कुर्ते पजामे और सुंदर पगड़ियों में देखने को मिलते हैं। चारों ओर इस दिन जश्न का माहौल होता है। लोहड़ी की शाम को बीच में आग जलाकर सभी लोग आग के फेरे लेते हैं। आग में तिल गुड़ डाला जाता है और ये प्रार्थना की जाती है कि इस जलती आग में उनके दुख जलकर नष्ट हो जाए। आमतौर पर ये हर साल 13 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार भी लोहड़ी का पर्व 13 जनवरी को ही मनाया जाएगा। जानकारों के अनुसार अंग्रेजी कैलेंडर को छोड़ दे तो लोहड़ी को सूर्य के मकर राशि में प्रवेश से एक दिन पहले मनाया जाता है। सूर्य इस बार 14 जनवरी को ही मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसे में लोहड़ी 13 जनवरी को ही मनाई जाएगी। लोहड़ी का यह त्योहार खुशियों को दर्शाता है, लेकिन क्या आप इस त्योहार से जुड़ी कहानियां जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि लोहड़ी क्यों मनाई जाती है? चलिए आगे आपको लोहड़ी से जुड़ी कुछ लोक कहानियां बताते हैं। इस पर्व से जुड़ी एक बहुत ही लोकप्रिय कहानी है जो धूला भट्टी से संबंधित है। ये कथा अकबर के शासनकाल की है, जब धूला भट्टी पंजाब प्रांत का सरदार था। उन दिनों लड़कियों की बाजारी होती थी, जिसका धूला भट्टी ने विरोध किया और सभी लड़कियों को बचाकर उनकी शादी करवाई। वही सुंदरी और मुंदरी नाम की दो बहनें थी। बचपन में ही पिता की मौत हो जाने के कारण ये दोनों अपने चाचा के पास आए गई, लेकिन जालिम चाचा ने दोनों को एक जमींदार को बेचने की सोची। ये बात जैसे ही धूला भट्टी नाम के डाकू को पता चली तो उसने चाचा के चंगुल से दोनों लड़कियों को छुड़ाया। दोनों को धूला भट्टी ने अपने यहाँ शरण दी, उनका लालन पोषण किया। जब लड़कियां बड़ी हो गई तो उसने दो अच्छे वर ढूंढ कर उनकी शादी करने का सोचा। शादी बहुत जल्दी जल्दी में की गई। धूला भट्टी ने आग जलाई और उसी आग के आसपास फेरे लेते हुए दोनों लड़कियों की शादी कर दी। कहते हैं कि धूला भट्टी के पास दोनों बहनों को देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने दोनों की झोली में गुड़ डाला और उन्हें विदा कर दिया। तभी से लोहड़ी के दिन धूला भट्टी की कहानी सुनने और सुनाने की परंपरा है। एक कहानी ये भी है कि लोहड़ी और होलिका दोनों बहनें थीं, जिसमें लोहड़ी व्यवहार की अच्छी थी पर होलिका नहीं। होलिका अग्नि में जल गई और लोहड़ी बच गई। इसके बाद से ही पंजाब में उसकी पूजा होने लगी और उसी के नाम पर लोहड़ी का पर्व मनाया जाने लगा। एक और कहानी के अनुसार देवी सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति को कठोर दंड दिया। दक्ष को जब अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी, और जब देवी सती ने पार्वती रूप में अगला जन्म लिया तो उन्होंने देवी पार्वती को उनके ससुराल में लोहड़ी के अवसर पर उपहार बेचकर अपनी भूल सुधारने का प्रयास किया। उस समय से ही लोहड़ी पर नव विवाहित कन्याओं के लिए मायके से वस्त्र और उपहार भेजे जाते हैं। इन्हीं सब लोक कहानियों के आधार को मानते हुए लोहड़ी का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन पंजाब में पतंगबाजी करने का भी चलन है। लोहड़ी की शाम को भंगड़े और गिद्दे से खूब रौनक लगाई जाती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपके कोई भी सुझाव या प्रश्न हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही धर्म से जुड़ी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए लोकपत हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।